हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए मैं आज आपके लिए एक ही बैटर से दो चीज़ें बताऊंगी, केक और कपकेक्स, वो भी वॉलनट चॉको केक। तो चलिए फिर इसको झटपट से बनाते हैं, ये इतना ज़्यादा अच्छा बनेगा, इसी तरह से ही पता नहीं चलेगा कितनी जल्दी ख़त्म हो चुका है। तो ये देखिए मैंने ये कपकेक्स बनाए हैं, तो चलिए फिर इनको झटपट से बना ही डालते हैं। ये बनाने में जितना ज़्यादा आसान है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा हेल्दी। ये आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इनको झटपट से बनाते हैं। इनको बनाने के लिए दो मीडियम साइज़ के केले लिए, वो भी पके हुए। और ये देखिए मैंने चीनी ग्राइंड कर ली है, तो चीनी आप जितनी लें उतनी ही आपको मैदा लेनी है। मैं मैदा ले रही हूँ, आप आटा भी ले सकती हैं। मैं सबसे पहले ये चीनी डाल रही हूँ और इसको मिक्स करूँगी। तो केले तो आप कोई से भी ले सकते हैं, मैंने थोड़ा पके हुए लिए हैं, आप कम पके हुए भी ले सकते हैं। अच्छे से इन सभी को मिक्स कर दें। और ये देखिए इसी तरह से ही मिक्स करना है। मैं इसमें एक बड़ा ही चम्मच तेल ले रही हूँ, तो मैं तेल ले रही हूँ, आप चाहें तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। ये आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी ही बनाएं। वैसे मैं भी अपने बच्चों के लिए ही बना रही हूँ। अब इसमें मैं एक चम्मच बेकिंग पाउडर और एक चौथाई चम्मच ये बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद ही अब मैं इसमें ये देखिए कोकोआ पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो कोकोआ पाउडर मैं इसमें दो चम्मच ऐड कर रही हूँ। तो अभी तो मैंने थोड़ा सा कम ऐड किया, मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने और थोड़ा सा ऐड किया था। तो कुल मिला के दो ही चम्मच मैंने इसमें कोकोआ पाउडर ऐड कर दिया है और 5 से 6 ड्रॉप मैंने इसमें वनीला एसेंस के लिए हैं। वनीला एसेंस आप ज़रूर ऐड करें, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और सभी को अच्छे से मिक्स कर दें। इसके बाद ही मैं इसमें वॉलनट ऐड कर रही हूँ। तो ये वॉलनट केक है, तो वॉलनट तो ज़रूरी है, मैं वॉलनट ले रही हूँ। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है ड्राई फ्रूट्स का, और ये काफ़ी हेल्दी भी रहता है केक। अब मैं ये देखिए मैदा ले रही हूँ। तो मैदा मैंने आपको बताया है कि जितनी आप चीनी लें पिसी हुई, उतना ही आप मैदा ले सकते हैं। थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं अगर आप कम मीठा पसंद करते हो। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दें। और मैंने ये भी बताया है आपको कि मैदा की जगह आप आटा का भी यूज कर सकते हैं, जिस आटे की रोटी बनाकर तैयार करते हैं, तब भी ये केक काफ़ी अच्छा लगेगा। थोड़ा थोड़ा करके इसमें 4 से 5 चम्मच मैंने नॉर्मल दूध ऐड किया है। तो दूध आप थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें और इसी तरह से ही आपको ऐड करना है। इसमें ज़्यादा दूध ऐड नहीं करना है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। और ये आपको बहुत ही पतला बैटर नहीं बनाना है, थिक ही बैटर बनाना है। ये देखिए सभी को अच्छे से मिक्स किया और ये आपका बैटर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से ही ये बैटर आपको बनाना था। इसको अच्छे से मिक्स कर दें जिससे मैदा है जो उसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। ये केक बहुत ही झटपट बन के तैयार भी हो जाता है, काफ़ी टेस्टी भी लगता है। अब इसमें एक चम्मच से ज़्यादा ही मैंने ये देखिए चॉकलेट सिरप ऐड किया है। तो चॉकलेट सिरप ना हो अगर आपके पास और कोकोआ पाउडर भी ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसमें डेयरी मिल्क लें, 10 रुपये वाली जो आती है ना, वो 2 डेयरी मिल्क लेकर इसमें मेल्ट करके ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए इसी तरह से ही आपको ये बैटर बनाकर तैयार करना है, बहुत ही ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है। तो ये बैटर पूरी तरह से ही तैयार है। चलिए अब आगे की तैयारी पूरी करते हैं। पहले मैं ये कपकेक बना रही हूँ, तो मैंने छोटी छोटी सी कटोरियाँ ली, मेरे घर में थी, और इनमें मैंने ये रैपर लगा दिए। ये भी इजीली मिल जाते हैं, आपने देखा होगा मिठाई वाली दुकानों में आसानी से ये आपको देखने को मिलते होंगे, यानी कि मिठाई में लगाते हैं सभी लोग, लड्डुओं में और भी कोई भी मिठाइयों में। तो थोड़ा थोड़ा ही आपको इसी तरह से ही फिल करना है। ये देखिए बहुत ज़्यादा इसको फिल नहीं करना है। और ये पूरी तरह से ही तैयार है। मैं ऊपर से थोड़े से वॉलनट और डाल दूँगी। तो ये देखिए, तो मैं ये जुगाड़ का काम कर रही हूँ, यानी कि ये केक मैं कुकर में बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो मैंने नॉर्मल एक बड़ा सा कटोरा लिया, उसमें ये देखिए सारी छोटी छोटी सी कटोरियाँ रख दी हैं। और मैंने गैस की फ्लेम 3 से 4 मिनट तक हाई पर की, इसके बाद 5 से 6 मिनट तक स्लो फ्लेम कर दी। और ये देखिए 10 से 12 मिनट में ही ये कपकेक्स तैयार हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में। हो सकता है वीडियो में इतने अच्छे ना लग रहे हों, लेकिन देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और काफ़ी देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा अच्छे, ये अच्छे खासे फूल भी चुके हैं। आप इनको चेक कर सकते हैं, जब इस तरह से नाइफ या स्टिक क्लीन आने लगे तो आप समझ जाएं ये बिल्कुल ही रेडी हो चुके हैं। तो ये कपकेक्स तैयार हो चुके हैं। मेरी बेटी ने इनको कुछ अलग ही तरीके से तैयार किया
और फिर सर्व किया। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं ये, मैं आपको बाद में बताती हूँ कि इसको आप किस तरह से बनाकर तैयार करें। ये देखिए कितने ज़्यादा स्पॉन्जी ये कपकेक्स बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, जो बैटर बचा हुआ था वो बचा हुआ बैटर का मैंने केक बना लिया। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसके कपकेक्स बना सकती हैं या केक भी बना सकती हैं। ये मुझे पता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसको थोड़ा सा टाइप किया और मैं इसको भी कुकर में बना रही हूँ। आपको ध्यान रखना है कुकर में आपको सीटी नहीं लगाना है। तो एक मैंने कटोरी रख दी, उसके ऊपर जो केक टिन था वो भी रख दिया है। और आपको दिखाई दे रहा होगा ना ही इसमें रबड़ लगी हुई है ना ही सीटी। और मैंने इसको कवर किया, इसको मैंने 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर किया। इसके बाद 10 से 15 मिनट तक मैंने गैस की फ्लेम स्लो कर दी थी। और केक टिन में केक चिपके नहीं, इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा घी लगाया और चारों तरफ मैदा डस्ट कर दी थी। ये देखिए, आप इसको चेक करके देख लें किसी भी नाइफ से या स्टिक से, जब बिल्कुल क्लीन आए तो आप समझ जाएं ये केक बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। ये देखिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, तो कट करने से तो आपको पता चल ही गया होगा कितना ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्ज ही ये केक बनकर तैयार हुआ है। इसको आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को। तो ये केक भी तैयार हो चुका है। अब चलिए कपकेक्स की बारी आती है, यानी कि तैयार करने की। तो मेरी बेटी वनीला आइसक्रीम लाई और उसने ये कपकेक्स के ऊपर इसी तरह से ही सभी को सजा कर सर्व किया। तो ये देखिए, इसी तरह से ही आप थोड़ा सा कपकेक्स के ऊपर वनीला आइसक्रीम लगा दें, इसके बाद ही चॉकलेट सिरप ऊपर से डाल दें। चॉकलेट सिरप ना हो तो कोई बात नहीं, आप डेयरी मिल्क भी मेल्ट करके इसमें डाल सकते हैं, तब भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़े से इसमें वॉलनट लगाए और ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छे ये कपकेक्स लग रहे हैं। आपने कपकेक्स तो कई बार खाए होंगे, इस तरह से आप एक बार जरूर ट्राई करें, आपको ये काफ़ी पसंद आएंगे। कपकेक्स हल्के से गर्म थे और ये आइसक्रीम ठंडी, बहुत ही मज़ेदार इनका टेस्ट आया है। ये देखिए, जब भी कोई पार्टी हो, कोई सी भी बर्थडे पार्टी हो या एनिवर्सरी पार्टी, तो आप इस तरह से अपने घर पर ये केक और कपकेक्स तैयार कर सकते हैं। और कुछ भी ना हो तो कोई बात नहीं, जब भी मन हो तो इनको बनाकर जरूर ट्राई करें। कैसे लगे जरूर बताएं। थैंक यू।